इस समय मेरे साथ हैं तौकीर जी। तौकीर जी, वेलकम टू फिल्म विंडो, एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आप तो बिग बॉस में ना होकर भी इतना आपका जिक्र होता है, चाहे वीकेंड का वहां में सलमान सर करे या घर के अंदर लोग करे, क्या कहेंगे? मेरे को एक शेर याद आता है इस बात पे कि ये एजाज है अपनी आवारगी का, जहां भी गए दास्तां छोड़ आए। तो वैसे ही कुछ हो रहा है कि मतलब मेरे नाम का जिक्र बार बार होता है तो अच्छा भी लगता है कि चलो कम से कम कुछ नहीं, नाम तो हो रहा है। नहीं, बिल्कुल। अभी तो स्टैंड जो है आपकी आवाज में रैप करते हुए भी नजर आए। नहीं, दरअसल वो मेरी आवाज है ही नहीं। सुनो बेटी, इस तरह की मैं आवाज कभी बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, चलो मिमिक कर रहा है, अच्छा लग रहा है। तो वहां का जो माहौल है ना, उसमें अगर थोड़ा सा हंसी खुशी खेलने का, मस्ती करने का मौका मिलता है और उसकी वजह अगर मैं बनता हूँ तो मुझे को उसमें कोई बुराई नहीं लगती, क्योंकि वो लोग बहुत इज्जत के साथ, बकायदा पहले रिस्पेक्ट से माफी मांगते हैं फिर करते हैं। और जिस तरह का, चूंकि एक बॉन्ड बन गया है स्टैन का, शिव का, सुम्बुल के साथ, भाई बहन वाला, तो उस तरह से वो मेरे बेटे हुए। तो वो अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बाहर आएगा तो कान खींचूंगा। अभी आपको सिंबल का गेम कैसा लग रहा है? मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, आपने सच में सोचा था कि वो इतना लंबा सफर तय करेगी जैसा शुरू में उसका गेम चल रहा था उसको देखकर? नहीं, मेरे को शुरुआत में तो ये नहीं लगा था कि इतना लंबा जा पाए, क्योंकि देखो मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं था। मुझे लगा था कि नॉर्मल रियलिटी शो जैसे वो हुआ था अपना रविवार भी स्टार यस परिवार, जहाँ पे वो बन गई थी प्लेयर ऑफ द सीजन बन गई थी वो, तो मेरे को लगा था वैसे ही कुछ होगा, मस्ती हस्ती होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जब शुरुआत हुई उसके बाद जिस तरह की चीजें हुई थी तो मैं बहुत डर गया था, चूंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ और बच्चों के लिए बहुत कंसर्न हूँ। दो ही तो चीजें हैं मेरे पास, एक सानिया और एक सुम्बुल, तो मैं बहुत घबरा गया था उस दौरान। तो मेरे को लग रहा था कि ये बाहर ही आ जाए, लेकिन उसके बाद उसके जो फैंस हैं, जो एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं मुझको, उन्होंने बोला कि नहीं, हम सुम्बुल को ऐसे पीट दिखा कर तो नहीं आने देंगे। फिर मैं रुका, फिर लगा, धीरे धीरे जो चीजें बदली, तो मेरे को लगा कि बहुत सही डिसीजन था वो, क्योंकि अगर सुम्बुल उस दौरान बाहर आया तो शायद वो अपना कॉन्फिडेंस जो है ना, वो जिंदगी भर के लिए खो दे। लेकिन जिस तरह से उसने फाइट बैक किया है, सारी चीजों से ऊपर होकर आई है, तो मुझे लग रहा है कि वो दिल भी जीते उसने, और सबसे अच्छी बात है कि उसने अपना कॉन्फिडेंस जीता, जो मेरे हाँ, लिए बहुत बड़ी चीज। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो जी, मैं जानना चाहूंगी कि सुम्बुल ने इतना लंबा सफर जरूर तय किया, पर इस पूरे सफर में मैंने कई बार देखा कि कुछ ऐसी खबरें आई जिससे सुम्बुल का मार्केट वैल्यू, ब्रांड जिसकी हम बात करते हैं, वो कम हो। जैसे इस फलाने को ये सीरियल मिल गया, सुम्बुल की फीस आधी कर ली, ये सारी चीजें जो है आई और बहुत मतलब। तो आपको क्या लगता है कि ये कैंपेन बाहर भी सुम्बुल के खिलाफ चलाया गया था क्या? हर बार आपने आके सफाई दी हालांकि। नहीं देखिए, मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि जो भी ये सब चीजें अफवाह फैला रहे हैं वो इस बात को समझेंगे, या बिग बॉस का कोई भी एक्स कंटेस्टेंट है उनसे पूछें कि बिग बॉस का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो उसमें 7 क्लॉज रहता है कि अगर एक्सटेंड होता है तो भी, या कम होता है तो भी, जो आपकी फीस डिसाइडेड है वो एज इट इज रहेगी, वो नहीं बदली जाएगी। तो वो तो वही बात खत्म हो गई, ये जो कि फीस डबल हो गई है, फीस आधी हो गई है, ये सब बातें तो बेसिर पैर की थी और इसमें कोई बात नहीं थी, तो उसका जवाब देना भी मैं सही नहीं समझा। लेकिन जो बात है वो, हालांकि अर्जुन बिजलानी जी ने इस बात को कहा आके आगे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन चलो कोई नहीं। और रही बात बड़े प्रोजेक्ट की, है ना, तो देखिए मैं थोड़ा सा अलग प्रकृति का इंसान हूँ कि अगर कहीं से हिंट आया और मैंने जाके उसको मीडिया में दिया ताकि और हाइप हो, तो वो मैं नहीं चाहता। और हालांकि नो डाउट इस वक्त इतने प्यारे प्रपोजल मेरे पास पड़े हुए हैं जिनको मैं रिवील करूंगा जिस दिन, तो धमाका ही होगा, लेकिन मैं शांत क्यों बैठा हुआ हूँ कि बाकी की तरह मुझे हाइप नहीं चाहिए। अच्छा, उसकी वजह भी है क्योंकि इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, आज मैं किसी के बारे में बोलता हूँ और सुम्बुल बाहर आने के बाद बोलती पापा मैं ये नहीं ये करना चाहती हूँ, तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर यस, एक गलत हो जाएगा मैसेज। वेरी तो ट्रू। इसीलिए मैं सब संभाल के रखा हूँ, मतलब ये समझ, जो एक्साइटमेंट है ना वो मैंने दबा के रखा हुआ है अपने अंदर, कि जिस दिन वो बाहर आएगी उसके 1 हफ्ते के अंदर वो सारी चीजें रिवील करूंगा ना, तब शायद वो बहुत बड़ा धमाका होगा। तो यस, इससे रही बात सुम्बुल की वैल्यू की, बात मार्केट वैल्यू की, बात तो बड़ी है, क्योंकि आपने देखा होगा वो 11 बार नॉमिनेट हुई है और हर बार उसका वोटिंग परसेंटेज बढ़ता चला गया है।
यस फैंस भी बढ़ रहे हैं, और खासकर न्यूट्रल पब्लिक का जो साथ मिला है उसको ना, वो अमेजिंग है। तो मुझे लगता है कि हर चीज उसके प्लस में गई है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही। बाकी लोग की तरह मुझे हाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी वहां पे आ रहा है वो खुद प्रेस कर रहा है, चाहे वो अनिल कपूर जी हो जिन्होंने उसका डांस देखा कल, फारा मैम हो, चाहे वो एकता कपूर मैडम हो, दीपांकर सर हो, तो सारी चीजें दुनिया को दिख रही हैं, तो हमको बोलने की जरूरत नहीं। कल तो फरहा ने दीपिका, मतलब दीपिका से कम नहीं है सुंबुल डांस में जो बात बोली, वो अपने आप में बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एकता कपूर ने बोला मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा उसने वो एक्ट किया था। और कल जो बात हुई ना, कल तो मैं बहुत डर गया था। दरअसल क्या कि सुम्बुल ने वो गाना कभी सुना ही नहीं है, क्योंकि हाँ, वो ये गाना मैंने जो है सुना। वो सुम्बुल के जाने के बाद रिलीज हुआ है, ना उसने डांस देखा है ना वो गाना देखा है। ऊपर से जिस तरह की उसने ड्रेस पहनी हुई थी बिल्कुल टाइट, और ऊपर से पेंसिल हिल पहने हुए थे, तो मैं बहुत डर रहा था कि वो कैसे कर पाएगी। लेकिन उसने सिर्फ एक 10 सेकेंड उसने सिर्फ बीट को कैच किया है, और उसके बाद जो उसने किया है, तो मुझे लगा कि मतलब जितना मैंने उसको सिखाया था, कल उसने ये साबित कर दिया कि गुरु गुड़ रह गया है और चेला चीनी हो गया। अरे वाह, सो स्वीट सो स्वीट। वो 10 सेकंड में समझ गई कि इस गाने का बीट क्या होगा और उसे पूरे गाने को हाँ उस बीट पे फॉलो किया। ये मैंने भी बात हाँ नोट की थी, क्योंकि मुझे भी डांस वगैरह बहुत शौक है, तो मैंने ये सोचा कि इसने ये गाना सुना नहीं था, लेकिन उसकी या तो पहले सुनाया गया या फिर मुझे लगा कि उसे वो 10 सेकंड की बीट से समझ लिया कि पूरा रिदम क्या होगा गाने का। और क्योंकि आप अगर वो वीडियो देखोगे ना, तो शुरुआत की जो बीट बजी है ना, वो हल्के से बीट लेते हुए और सिर्फ 1 2 1 2 से दिमाग में लगाया है, और देन चालू हुई है, फिर रुकी नहीं वो। यस यस यस, वो मीटर में स्टेप बैठा रही थी अपने। यस हाँ बस 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 हाँ, एकता कपूर ने तो तारीफ की ही, तपस्या भी, यानी कि रश्मि देसाई ने भी जो ट्वीट किया था सुम्बुल के लिए कि तुमने बहुत ही बेहतरीन किया, तो खैर सुम्बुल की एक्टिंग को तो ये किसी के सब वैलिड। हाँ नहीं, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था दरअसल, कि टीना ने वही किया जो उसने ऑलरेडी किया हुआ था, और सुम्बुल को शायद 1 घंटे पहले मिली होगी स्क्रिप्ट, तो उस पूरे जेस्चर में जाना और उस चीज को पकड़ना और उसके साथ परफॉर्म करना, और उसके बाद रश्मि देसाई जिसने उसको किया हुआ है उसकी तरफ से बधाई मिलना कि तुमने नेल्ड इट, फाड़ दिया, तुमने बहुत अच्छा किया, मतलब ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था उसके लिए। यस यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। आपको क्या लगता है कि सुम्बुल को लेकर धीरे धीरे घर के लोगों का जो परसेप्शन चेंज हो रहा है? आप कल का अगर एपिसोड देखें, प्रियंका ने उसकी तारीफ की, यहाँ तक कि उसके मंडली के लोग भी जब जोकर की बात आ रही थी या भीड़ में, तो लोग बार बार ये कह रहे थे कि उसका अपना अलग ही ट्रैक रहता है, उसकी अपनी अलग सोच है, वो कभी हमसे इन्फ्लुएंस नहीं होती है। पर तौकीर जी, आपको ये लगता है कि इन चीजों को एपिसोड में बहुत अच्छे से दिखाया गया? नहीं देखिए क्या होता है कि सुम्बुल का जो तरीका था ना, वो सबसे अलग था, तो उसको हाँ लोग जज ही नहीं कर पाए। स्टार्टिंग में बोल दिया गया कि वो बिग बॉस मटेरियल नहीं है, क्योंकि बिग बॉस के बारे में एक कंसेप्ट बना हुआ है कि वहां पे मतलब आप बहुत चीखते हो, चिल्लाते हो, निगेटिविटी फैलाते हो, सामान तोड़ते हो, अग्रेशन दिखाते हो, तो आप बिग बॉस मटेरियल हो। हाँ लेकिन हाँ ऐसा नहीं है, सुम्बुल ने उस पूरे नैरेटिव को चेंज किया। तो शुरुआत में जो लोग कह रहे थे नहीं दिख रही नहीं दिख रही, लेकिन उसके जो सोचने का ढंग है, उसके जो वन लाइनर्स हैं, उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो बोलने का ढंग है, वो दुनिया से अलग है, और वो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बात करती है, बेवजह चीजों को एक्सटेंड नहीं करती, खींचती नहीं है रबर की तरह। तो अब लोगों को वो पसंद आने लगा है, और अब लोग उसको ज्यादा प्रेस करने लगे हैं। और ये बात भी सच है कि जब भी नॉमिनेशन या कोई भी टास्क या कुछ भी होता है, सुम्बुल का जो बोलने का ढंग है, सुम्बुल की जो थॉट्स होते हैं, वो सबसे अलग होते हैं। तो अगर बाय द वे वो उनके इन्फ्लुएंस में रहती, तो शायद वो वही बोलती जो वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन सुम्बुल हर बार अपना एक इंडिपेंडेंट थॉट लेके आती है, और हर हर बार वो अपने तरीके से चलती है, तो ये उसके साथ था ही पहले से, लोगों ने बाद में जज किया इसको। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। आपको क्या लगता है कि सुंबुल का जो पर्सोना है, पर्सनालिटी है, एक जो चुलबुली सुंबुल थी उस पे इतना प्रेशर बना, इतना प्रेशर बना कि वो सुंबुल बन गई जैसा वो घर के लोग चाहते थे, ऐसा लगता है आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सुम्बुल का जो बच्चा है ना, सुम्बुल के अंदर जो बच्चा है वो हमेशा जीवित है। अब चाहे वो उस दिन वो स्कूटर आई थी, तो दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो स्कूटर चलाऊंगी, ठीक है ना, और जब उसके मन में जो आता है वो करती है, उसको लाख टोका जाए लाख बोला जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉमिनेशन में आती है, इंजॉय करती है,
सैल्यूट करती है और मुस्कुराती है। आपने देखा होगा कि बिग बॉस के दौरान सबसे ज्यादा 11 बार नॉमिनेट हुई है सुंबुल। बाकी जो भी नॉमिनेट होता है वो बाकी के 2 दिन जिस दौरान वोटिंग चलती है वो खूब चीखना चिल्लाना लड़ना भिड़ना, लेकिन सुंबुल क्या सुकून से या तो बैठी होगी खेलती रहेगी मस्ती करेगी, मतलब वो कोई सीन क्रिएट नहीं करती। तो कहीं ना कहीं उसको इस बात का एहसास है कि जो मेरी पर्सनैलिटी है वो पब्लिक को पसंद आ रही है, और वैसी क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स है उसकी जो फैमिली है उनको मालूम है कि सुंबुल कैसी है, इसलिए सुंबुल में कोई चेंज ना तो पहले था ना अब। ट्रू. आपने थोड़ी देर पहले अर्जुन बिजलानी की बात की. आपको लगता है कि अर्जुन बिजलानी फरमान और सुम्बुल को लेकर जो बातें कह रहे हैं उससे फैंस की उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाएंगी? नहीं देखिए एक बात बताऊं आपको, मैं ये जब चार दोस्त मिलते हैं ना, और चूंकि इन लोगों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, चाहे वो अर्जुन ओहो हो चाहे वो अमन मलिक जी हो चाहे वो फैमान हो, इनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और सुनबुल, तो इन लोग अपने मस्ती करते हैं, और जब बच्चे मस्ती कर रहे हो ना तो उसमें बड़े इंटरफियर ना करें ज्यादा अच्छा है, जीने दो उन लोग अच्छा, को अपनी जिंदगी। ओके. आपने बहुत ही मैच्योर तरीके से सच में बहुत अच्छा जवाब दिया तौकीर जी, वरना मुझे लगा कि आप बोलते कि क्या क्यों ऐसा किया जा रहा है ना. क्योंकि सुम्बुल ने, मुझे याद है, साजिद सर ने एक बार पूछा था फरमान को लेके, तो उसने बोला था वो मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं इससे कभी नहीं बोलती, हमें साथ में काम करना है. नहीं देखिए क्या होता है गौतम, आपको फैमान जो है उसका बहुत अच्छा दोस्त, और इमली के दौरान लोग की जो बॉन्डिंग थी जिस तरह का उनकी बीच में केमिस्ट्री थी वो पब्लिक को बहुत अच्छी लगी, ठीक है, और हैशटैग भी चलने लगा सुमान उनके नाम से, यस यस आरएली हैशटैग चलने लगा, और उसके मतलब बड़े बड़े फैंडम बन गए उनके, तो वो दोनों एक बहुत अच्छी शेयरिंग बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपस में रिलेट करते हैं, और जब दो लोग आपस में काम करते हैं ना तो दोनों को आपस में इतना विश्वास भी रहता है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर कंसर्न रहते हैं, तो वही चीजें वहां भी चल रही हैं। तो सुंबुल के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि हर बंदा जो है उसको हर बात में जज कर रहा है, अगर वो किसी से हक कर रही है तो ऐसा क्यों कर रही है, अगर ये ऐसा कर रही है तो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि बिग बॉस के अकॉर्डिंग हक करना मतलब लव अफेयर है, किसी के साथ मस्ती करना, लेकिन वो तो धीरे से उसको सर्टिफिकेट मिल गया कि नहीं ये सुंबुल ऐसी ही है इसीलिए, वरना आज तो स्टैन और शिव भी उसी दौर में आके जाते और वैसे ही उनका भी शादी चालू हो जाती नौटंकी सबकी, कि ऐसा इनके साथ भी है यहाँ भी ऑब्सेस हो गई है। ट्रू ट्रू ट्रू. तो आप अब जब सुम्बुल का गेम देखते हैं, और खासकर मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, जो चीजें टीना के साथ घर के अंदर हो रही है और शालीन के साथ, लोग बार बार ये कह रहे हैं कि पूरा कर्मा का सर्कल है, जो दिया वो वापस आया. आप इस बात से एग्री करते हैं क्या? नहीं वो एपिसोड देखने के बाद मैंने 4 लाइनें लिखी थी, उस 4 लाइनों में मेरा जवाब आपको मिल जाएगा कि मेरे अंतर के दावा नल को तुम जितना सुलगाओगे उसकी आग में एक दिन तुम भी झुल से जाओगे, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित कभी नहीं, जिस दिन घूमेगा नियति चक्र फल कर्म का तुम भी पाओगे। वेरी तो वो जो ट्रू. 4 लाइनें मैंने लिखी थी वो अपने आप में पूरा जवाब है, कि शुक्रवार का वार सेम था, वैसे ही एक लड़की रो रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मुझे घर जाने दो सुम्बुल थी, फिर एक शुक्रवार का वार आता है सब कुछ वैसे ही होता है, एक लड़की रो रही है हाथ जोड़ रही है कि मुझे घर जाने दो, अब वो हो जाती है टीना। तो बिग बॉस ने तो अपने आप में पूरा का पूरा चक्र दिखा दिया। वेरी ट्रू वेरी ट्रू. अब ये सब परिस्थितियों का खेल है, कभी कोई उसमें फंस गया, कभी कोई फंसा. आप इस बात पे क्या कहेंगे, जब शालीन दोस्ती के लिए गया सुम्बुल के पास तो वो अब बिल्कुल भी तैयार नहीं है? उसकी वजह है ना कि देखिए क्या होता है कि विश्वास जो लोग इमोशनल होते हैं जिनके साफ होते हैं वो आपके ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हैं, मतलब आंख बंद कर लेते हैं कि बाहर क्या जा रहा है उसे मतलब नहीं रहता उसको, लेकिन वहां पे जब चोट पहुंचती है तकलीफ होती है या धोखा मिलता है तो फिर वो दोबारा ना तो उसको कभी माफ कर पाएंगे ना उसके पास कभी जा पाएंगे, क्योंकि वो गेम के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रही है, कि गेम के अकॉर्डिंग चाहे कि एक और मेरा वोट बन जाएगा, लेकिन गेम को लेकर उसकी बात ही नहीं है, उसका वो पर्सनल है कि अगर मैंने आपको फर्स्ट डे से बहुत अपना माना था तो आप भी उसी चीज को अगर आगे डेवलप करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया तो ओके कोई बात नहीं, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और ना मुझे कोई विक्टिम कार्ड खेलना है, क्या आप लोगों ने ऐसा किया? आपको हाँ, याद होगा जब मेरा कन्वर्सेशन सुनाया गया था अंदर पूरा का पूरा, उसके बाद जिस तरह से शाउटिंग हुई थी जिस तरह से वो रो रही थी उसके बावजूद टीना जाके चिल्ला रही थी यस वहीं पे बैठ गई थी,
मतलब एक लड़की रो रही है, पैनिक अटैक आया उसको, और आप वहां पे जाके और उसको शाउट कर रहे हैं और परेशान कर रहे हो, तो वो मानवता नहीं कहलाती है। और सेम चीज यहाँ पे हुई, जब शालीन और टीना ने आपस में ही एक दूसरे के पत्ते खोल दिए, वहां सुंबल भी चाहती तो ये वाला पूरा गेम खेल सकती थी, एक विक्टिम कार्ड वाला कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन उसने नहीं करा। उसने बहुत मैच्योरिटी के साथ क्या कहा कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और प्लीज ना मैं आपको और ना मैं आपको माफ नहीं करूंगा। उसे ये भी बोला मुझे आप दोनों के इसमें फंसाना भी मत, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, हाँ मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। इंटरेस्टिंग नहीं है। हाँ हाँ मतलब उसने तो ऐसा जवाब दे दिया जो तमाचे से कम नहीं था एक्चुअली। मतलब वो मुद्दा बना ही नहीं उसने, वो चाहती मुद्दा बनाती हो कम से कम 1.5 दिन की थी, लेकिन उसने एक ही उसने लाइन में नहीं खत्म किया। कर। हाँ शालीन की मम्मी लेकिन सुंबुल से बहुत ऐसा लगा कि बहुत प्यार करती है और बहुत अटैच है, मतलब वो बहुत जेन्युइन लग रहा था कि उन्हें सुंबुल बहुत पसंद है। जब हम लोग की वो पेरेंट्स मीटिंग हुई थी, उस दौरान मैं शालिन की आप मम्मी ही से उसे मिला था। पेरेंट्स वो मीटिंग बोल पेरेंट्स मीटिंग ही थी दरअसल, कि रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टीना की मम्मी वो बिग बॉस था, पर हम लोग के लिए तो किंडर गार्डन था जहाँ हमारे बच्चे गए थे, और पेरेंट्स मीटिंग हो रही थी, प्रिंसिपल सर भी खड़े थे वहां पे। तो शालिन की मम्मी ने मुझसे बात की थी, और बोले बोला था उन्होंने मुझसे वहां पे कि हम तो वही वाइब चाह रही थी जैसा वो छोटी बहन के साथ मस्ती करता था, वैसे वहां पे चल रहा था कुछ। मैंने कहा बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, हम भी सही बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह की चीजें वहां पे पोर्ट्रेट की गई, जिस तरह की चीजें बाहर आई अकॉर्डिंग टू सिंगल पेरेंट्स, तो उन्होंने खुद जस्टिफाई किया कि नहीं आपने बिल्कुल सही निर्णय किया और आपने बिल्कुल सही काम किया, क्योंकि मैं भी अगर होती तो शायद यही करता। और यही वजह थी, जब वो अंदर गई है ना तो सुंबुल के साथ उनकी केमिस्ट्री अलग तरीके की थी, और वो फिर भी चाह रही थी कि किसी तरह से ये बॉन्डिंग बन जाए। लेकिन आप कभी चाहेंगे कि बाहर आने के बाद अगर क्योंकि मैंने वो सच में जो बॉन्ड देखा मुझे ऐसा लगा कि शालीन की मम्मी तो सुंबुल को बाहर भी बॉन्ड रखेंगी, तो आप कभी चाहेंगे कि वो बॉन्ड बाहर बने कभी या अब नहीं चाहेंगे कभी भी? देखिए मैं बताऊं ईमानदारी से, ये सारा कुछ मैं सुम्बुल के ऊपर छोड़ता हूँ कि सुम्बुल बहुत मैच्योर है ना, और जहां तक बात है मेरे को लगता है जैसे स्टैन है, शिव है, निमृत है, अब्दू है और साजिद सर है, इनके साथ तो उसकी लाइफ टाइम बॉन्डिंग है, और हाँ बाकी किसके साथ रखनी है किसके साथ नहीं रखनी है उसके लिए सुम्बुल रहेगी। मैं उसको कहीं से बोलूंगा नहीं कि तुम ये ओके करो या ये ना करो। साजिद सर से बात हुई आपकी? हाँ साजिद सर से मेरी बात हुई है। क्या उन्होंने बताया सुम्बुल के बारे में या आप? नहीं मैंने तो उनको थैंक्स बोलने के लिए फोन किया, उसके बाद फिर उनका कुछ बिजी थे, फिर उनका फोन आया तो मैंने बताया उनको कि, और मैंने उनको थैंक्स बोला कि जिस तरह के पैनिक अटैक में थी, जिस तरह वो टूट रही थी, उस दौरान जिस तरह से आपने उसको संभाला है और जिस तरह से आपने उसको ट्रीट किया, हालांकि लोगों ने बहुत मिसजज किया, मिसजज किया। दरअसल क्या है कि अगर लोगों ने कुछ पढ़ा होता पहले, समझा होता, तो शायद इस बात को नहीं बोलते। एक दोहा है शायद आपको मालूम होगा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो साजिद सर का तरीका वही तरीका था वो था। कि अंदर से तो प्यार कर रहे हैं और बाहर से वो थाप मार रहे हैं ताकि वो मजबूत बनती जाए और टूटे ना, क्योंकि अंदर से सहारा है। और आपको याद होगा कि सारी चीजें होने के बाद जिस दिन साजिद सर बाहर जा रहे थे, तो जो लास्ट उनका सेंटेंस था सबके लिए, वो क्या था, सुम्बुल का ध्यान रखना। उस एक लाइन ने उस पूरी चीजों को क्लियर कर दिया कि साजिद सर के लिए सुम्बुल कहाँ थी और क्या थी। ट्रू ट्रू ट्रू। हालांकि मुझे कुछ चीजें साजिद जी की सही नहीं लगती थी, जो मैं बोलती भी थी, मतलब मुझे भी लगता था कि नहीं उन्हें इतना हार्श सबके सामने कैमरे के आगे नहीं होना चाहिए कि वो 3 स्ट्राइक भी आई तो भी सुम्बुल जिम्मेदार, लेटर गया तो भी सुम्बुल जिम्मेदार। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सुम्बुल का कहीं नेचुरलपन चला ना जाए तो वो। नहीं 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 देखिए क्या होता है ना कि उनको मालूम था कि मैं जितना हैमर मारूंगा इसको, ये टूटेगी, डिस्ट्रक्ट होगी, जो भी होगा उसको मैं संभाल लूंगा, इससे पहले क्योंकि बाहर वाला तोड़े आके। आप देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है कि सोच होती है, एक गिलास में पानी भरा हुआ है, आप बोलोगे आधा खाली है, मैं बोलूंगा आधा भरा है, दोनों अपनी जगह पे सही है, एक निगेटिव सोच रहा है एक पॉजिटिव सोच रहा है, तो मेरी सोच जो थी एज ए पेरेंट पॉजिटिव थी। ट्रू ट्रू। एक और चीज घर के अंदर हुई, हालांकि काफी पर्सनल चीज है। सॉलिस जब घर के अंदर गए उन्होंने सुम्बुल की बहुत तारीफ भी की कि कहा कि देखो आपके जो स्टार्स हैं अगर बहुत अच्छे रहे, योग यही रहा, तो आप ट्रॉफी भी जीत कर जा सकती हैं। साथ में उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर अपनी लाइफ में और सफल होना है तो आपको अपनी मम्मी से रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। तो आपको लगता है काफी इमोशनल मोमेंट आ गया था सुम्बुल के लिए? नहीं बिल्कुल इमोशनल मोमेंट नहीं था,
दरअसल क्या है कि सुम्बुल 6 साल की थी जब से मैं उसको सिंगली हैंडल कर रहा हूँ, और एक माँ की तरह मैंने उसको दोरिया सुनाई है, अपने साथ सुनाया है, तो वो माँ मुझे ही देखती है। तो वो जो कहा ना उन्होंने कि इसका चंद्रमा यस चंद्र के साथ जोड़ा था, कि हाँ चंद्रमा जो है अगर वो हो जाए तो बहुत आगे जाएगी, तो उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, वो चंद्रपा है दरअसल, वो थोड़ा गलत बोल रहे। ओके सो नाइस सो नाइस। हाँ मुझे भी लगता है आप अपनी किस्मत खुद ही लिखते हैं, आपका हार्डवर्क के आगे सब कुछ फेल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैम, कि हम लोग से प्रयास करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि हम लोग अपने अंदर कोई बदलाव ना करें, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बच्चे हमारी ही फोटो कॉपी होते हैं, हमने जो सिखाया है, जो समझाया है उनको, वही चीजें उनमें दिखती ही हैं। और आज नो डाउट मैं सुंदर को देखता हूँ तो लगता है कहीं ना कहीं मैं हूँ, जिस तरह से हाँ वो गुस्सा होती है तो आंसू निकल आते हैं, मेरे भी निकल आते हैं, बहुत हंसता हूं मैं तो आंसू निकल आते हैं, उसके भी निकल आते हैं। तो जो इमोशनल होगा और जो वास्तव में आर्टिस्ट होगा वो इसी तरह का। आपको अभी लगता है कि सुम्बुल और प्रियंका, प्रियंका सुम्बुल का इस्तेमाल करना चाहेगी, या प्रियंका जिस तरीके से कल मंडली में मैसेज पहुंचाने के लिए सुम्बुल को बोलती नजर आई थी, आपको लगता है कि वो वाला गेम अब शुरू होगा घर में? नहीं देखिए, प्रियंका जो है बहुत स्मार्ट प्लेयर है और बहुत मैच्योर प्लेयर है, बहुत अच्छा खेल रही है, ठीक है ना। तो उसने अपने एक प्लान किया हुआ है, और नो डाउट वो सुम्बुल को बहुत पसंद करती है, ये भी कंफर्म है, क्योंकि आज तक 11 बार नॉमिनेट होने के बाद आप पूरे रीजन सुन लो, रीजन क्या होते हैं, सुम्बुल बहुत प्यारी है, सुम्बुल बहुत स्वीट है, सुम्बुल बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं उसको दिख नहीं रही है इसलिए मैं उसको नॉमिनेट करती हूँ, ये रीजन नहीं है, ये प्यार है कहीं ना कहीं। और सुम्बुल दिख नहीं रही थी क्योंकि वो शाउटिंग नहीं कर रही, चिल्ला रही थी, चीख नहीं रही, और आज भी वो ऐसी है, वो आज भी उसने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन आज वो अगर लास्ट आखिरी हफ्ते तक अगर वो अपने आप को यहाँ खड़ा करके रखी है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को उसकी चीजें पसंद आ रही है, उसका गेम पसंद आ रहा है। तो प्रियंका की बात जहां तक है, प्रियंका बहुत अच्छा खेल रही है और सुम्बुल भी अपने तरीके से खेल रही है, दोनों आपस में जैसी भी बॉन्डिंग बनती है आगे जो भी होता है, मेरे को लगता कुछ गलत होगा इसमें। सुम्बुल कभी कैप्टन नहीं बन पाई, इस बात का रहेगा? बिग बॉस के घर में गई, एक बार कैप्टन बन जाती। नहीं, कैप्टन तो बनी है, लेकिन वो किश्तों में कैप्टन बनी थी, किस एक बार तीन तीन लोग लोगों में गए थे तो वो भी कैप्टन बन गई। हाँ, तो कैप्टन बन गई है, तो वो स्वाद तो उसने लिया है वो, और ऐसा सबसे अच्छी बात की उसके फैमिली के लोग ही कैप्टन बने हैं, तो कैप्टन रूम में सोने की उसकी छत पूरी हो गई है तबीयत से। हाँ अरे वाह। प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात करें तो हम ये सोच के चल सकते हैं कि धमाका ही करेगी, मैं नागिन पूछूंगी आप बताएंगे नहीं। नहीं देखिए, बताऊं आपको मैं, इस वक्त इतने शानदार प्रोजेक्ट मेरे पास आए हुए हैं ना, कि अगर उनके मैं ग्लिम्स भी दे दूं तो वो अपने आप में भूचाल मच जाएगा, जैसा अच्छा, बाकी लोग कर रहे हैं कि छोटी सी बात होती है उसको हाइप कर रहे हैं, वो लेकिन सारी उनमें चीजें से मैं क्यों कोई नहीं भी कर रहा हूं। सच नहीं निकला, मतलब मैंने जो अभी खबर पढ़ रही थी। वही बात मैं कह रहा हूं कि क्या होता है, अपने कंटेस्टेंट को हाइप करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, पर मैं ये नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं मीडिया के साथ गलत नहीं जाना चाहता। जिस दिन सुम्बुल बाहर आएगी उसके 1 हफ्ते के बाद मैं वो सारे प्रोजेक्ट रिवील कर दूंगा, तब आपको लोगों को लगेगा कि ये तो पॉपुलैरिटी के लिए या पब्लिसिटी के लिए बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता था, लेकिन मैं नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि सुम्बुल को किसी एक या दो प्रोजेक्ट को ही छाटना है, तो मैं क्यों बेवजह का एक नुसन क्रिएट करूं वहां बाहर आकर, इसीलिए मैं रुका हुआ हूँ। सबको मैंने यही कहा है कि सुम्बुल जैसे बाहर आती है उसके बाद वो देखेगी समझेगी, जो उसको सही लगेगा वो करेगा। हाँ, ये है कन्फर्म कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अनबिलीवेबल है, अरे और वाह, जिस तरह से उसको प्रेस मिल रहा है, जिस तरह से कल अनिल कपूर जी ने उसको बहुत प्रेस किया, फराह मैम ने किया, उससे पहले एकता मैम ने और दीपांकर जी ने, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि सही ट्रैक पे जा रहा है। सुम्बुल का जो भविष्य है ना, वो वास्तव में बिल्कुल बहुत ऊपर है, वो गॉड गिफ्टेड लड़की है, वो मेरी बेटी है ही नहीं। टीना शालीन पे आप कुछ बोलना चाहेंगे कि आपको लगता है कि पहले ही सावधान हो जाना चाहिए था टीना ने? मैं उसको तो यही कहूंगा कि अपनी ही करनी का फल है, आपकी रसवाइयां आपके पीछे चलेंगी, आपकी परछाइयां, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे, अब जिस तरह की चीजें टीना के साथ हुई है कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो वो दोनों ही है। प्रियंका को कल निमरीत बोलती नजर आई कि मैंने इसको हिंट भी दिया था कि टीना सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करती है, जैसे कि फरहा ने भी बोला कि टिश्यू की तरह यूज करके फेंक दिया, फेंक देती हो तुम। तो आपको लगता है कि प्रियंका कहीं उसकी वजह से गलत गई है? नहीं देखिए, प्रियंका के साथ प्रॉब्लम क्या रही है कि प्रियंका के साथ जो भी रहा है वो धीरे धीरे
जाते गए हैं, तो वहां पे आप उस घर में आप 24 घंटे अकेले नहीं रह सकते, आपको साथ चाहिए ही चाहिए किसी का। अच्छा अर्चना के साथ भी था, तो अर्चना का तो मालूम है कि वो जिस डाल पे बैठती है उसको भी काट देती है, उसको कोई टेंशन नहीं उस बात से। तो हाँ प्रियंका को कहीं ना कहीं तो पकड़ना ही पड़ेगा ना, किसी ना किसी को साथ रखना ही पड़ेगा, 24 घंटे अगर कैसे करेगी लड़की वो सर्वाइव। तो जो भी मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में वो मर्ज नहीं हो सकती, तो मजबूरन उसको ये सब करना पड़ता है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। प्रियंका बहुत स्मार्ट खेल है। आपको लगता है निमृत वाकई में जिस तरीके से कल इन्होंने मिलकर इसको इक्का बोल दिया, और टिकट तो फिनाले लगातार 3 हफ्ते से मिल रहा है, आप सच में मानते हैं कि वो डिजर्व करती हैं, या आपको नहीं लगता कि सुम्बुल शिव को अपने लिए खेलना चाहिए उसको सपोर्ट ना करके? नहीं देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि बिग बॉस जो टास्क दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको हटा ही नहीं सकते। उन्होंने कहा 10 चक्र 10 गैप निकालिए, 10 गलतियां थी नहीं, वो तो खुद प्रियंका बोल रही है, गिनती की 3 बातें होंगी, सो रहे थे, काम नहीं करा, इसके अलावा बताइए तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं क्या बोलोगे आप। तो अगर वो लोग बैठ भी जाते ना तो भी कुछ नहीं होता। लेकिन क्या था, उन्होंने सिर्फ बिग बॉस की बात को फॉलो किया कि जो भी आप रीजन दीजिए उसको आपसी सहमति से हाँ या ना करिए। वो आपसी सहमति बनाने के चक्कर में ही सारा कुछ नाटक हुआ था वहां पे, और टास्क के अकॉर्डिंग तो पॉसिबल ही नहीं था कि 10 रीजन दिए जाए। लेकिन आपको लगता है कि सुम्बुल को टिकट टू फिनाई के लिए थोड़ा सा और एफर्ट डालना चाहिए, क्योंकि फैंस को लग रहा है कि, और वो उस बात लोगों को शिव के लिए भी लग रही है, स्टैन के लिए भी लग रही है। अरे कोई ऐसा टास्क को आए जहां पे वो 1 to 1 फाइट करे। अब हाँ एक बात हाँ बताइए, उस रिंग को निकालने नहीं, में एक ही अगर टास्क को सुम्बुल भी निकाला एक और एक, देती रीजन कि नहीं इसकी वजह से इसका रिंग मैं निकालती हूँ निमृत का, आप 10 रीजन कहां से दोगे उस घर में? अब घर गंदा है, साफ नहीं हुआ, 1 रीजन है, लोगों ने ड्यूटी नहीं करी, 2 रीजन, सो रहे हैं, 3 रीजन, खाना नहीं बना रहे, 4 रीजन, ठीक है, सामान पटक दिया, 5 रीजन, एक दूसरे को गाली बकी, 6 रीजन, अब बाकी के 4 कहां से लाओगे? तो पॉसिबल ही नहीं है वो, मतलब इम्पॉसिबल टास्क है। हाँ 2 या 3 दिए होते तो बात थी। आप लोगों का ये कहना है कि जैसे अंकित को निकाला घर वालों की सहमति से, अब अगला टारगेट सुम्बुल होगी, और ये बात तब से हो रही है जब से अंकित के साथ ये हुआ था कि लोगों को लगता है कि सुम्बुल के साथ ऐसा करेंगे मेकर्स। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए डे 1 से मैं इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हूं कि सुम्बुल वहां जिस काम के लिए गई थी, जब वो अंदर जा रही थी तो मैंने कहा था बेटा दिल जीत के आना, दिल उसने जीत लिए, 11 हफ्ते नॉमिनेट होने के बाद पूरी पब्लिक का साथ मिल रहा है उसको, अगर वो बाहर आती भी है तो स्वागत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ती है तो बहुत दिल में खुशी होगी, तो हम लोग के दिमाग में कोई टेंशन है ही, हम लोग तो ऑलरेडी विनर हो गया पहले से। अरे वाह, किन टॉप 3 को देखते हैं आप स्टेज पर? नहीं देखिए, अभी 8 लोग हैं और 8 लोग बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, एक से बढ़कर एक हैं, तो 3 लोग बोलना तो मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी पांच बेटी का नाम तो रखूंगा। हाँ पांच पांच का बोल सकता हूँ। हाँ तो मैं प्रियंका, मतलब वो तो जाना ही जाना है 101%, शिव जाना ही है, स्टैन जिस तरह से ग्रो किया उसने उसको भी जाना है, निमृत भी जाएगी और सुम्बुल कंफर्म है, तो ये 5 है मेरी निगाह में कि जिनको टॉप 5 जो डिजर्व करते हैं, बाकी बिग बॉस अर्चना जाने। शालीन, नहीं मैंने क्या कहा, अर्चना शालीन टीना, मैं सबको बोल रहा हूँ ना कि बहुत डिजर्विंग है सारे, लेकिन आप 5 हैं, 5 में 3 को तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना, ये है। और ट्रॉफी अगर सुम्बुल नहीं तो किसके हाथ में? तो फिर तो मेरे को लगता है कि शिव ही ले जाएगा। ओके, तो आपको लगता है कि शिव जीत सकता है? थैंक यू तौकीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक्स अ लॉट, एंड ऑल द धन्यवाद, बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक्स थैंक्स। सुम्बुल के पापा ने ये जो बातें कही वाकई में काफी ज्यादा मायने रखती हैं। उन्होंने जो कहा कि देखिए सुम्बुल अब जीते तो भी अच्छा, वरना जिस चीज के लिए हमने उसे भेजा था लोगों का दिल जीतने के लिए, वो तो वो जीत ही चुकी है। इतना ही नहीं, अर्जुन बिजलानी के ये जो फहमान वाले मैसेजेस थे, जो मजाक थे, उस पर भी पापा ने रिएक्ट किया।
एक जो बात बड़ी उन्होंने बोली वो यही कि जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सुम्बुल को अगर हमने खुलासा किया तो वाकई में धमाका हो जाएगा। तो एक बात तो तय है कि वाकई में लगता है कि सुम्बुल को बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन सुम्बुल बाहर आकर क्या करना चाहती है ये उस पर ही डिपेंड है। प्रियंका की भी उन्होंने तारीफ की, मंडली का जो बॉन्ड है उस पर उन्होंने बोला। तो कई ऐसी चीजें जो लगातार फैंस जानना चाहते थे सुम्बुल को लेकर, उन सारी चीजों पर उन्होंने खुलकर बात की। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं।